सो हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे और इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और एक बार मैं राइडिंग गेटअप में हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त को मिलने के लिए एंड वहाँ पे जाएंगे। आज मैं विलेज साइड से जाने वाला हूँ उससे मिलने के लिए, ना कि हाईवे से, क्योंकि कल भी मैं हाईवे से आया था, नासिक हाईवे से। तो सोचा कि आज गांव से थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, गांव के रास्ते आपको दिखाता हूँ और बहुत खूबसूरत है। अभी बज रहा है 1:30 और 1:30 बजे भी इतना धूप नहीं है जितना हमेशा रहता है। सो निकलते हैं अभी और मिलता हूँ आपको बाइक मोड़ पे। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं। ये भी कैमरा लगा के रखा है मैंने, देखते चालू अगर हुआ तो वो भी एंगल मिल जाएगा सही। और यहाँ से जा रहा हूँ मैं अभी टिटवाला इज जोन फॉर गणपति मंदिर। तो पहली बार इस रूट से जाने वाला हूँ। इसके पैरेलल मतलब कुछ दूरी पे हाईवे है, देखो डोमिनार पे सैडलिंग करना आसान नहीं है क्योंकि मेरा जो हैंडल बार है तो वो थोड़ा नीचे है। अगर मैं राइजर लगा लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में अगर करूँ तो मैं ऐसे झुक के करना पड़ता है मुझे, तो वो थोड़ा ऑड लगता है। इसके लिए मैं ज़्यादा सैडलिंग नहीं करता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत रहेगी वहाँ पे ही मैं कर सकता हूँ सैडलिंग। ये भी कोई तो गाँव है। और मेन मतलब आज भी धूप नहीं है तो बहुत सही लगता है ऐसे वेदर में बाइक चलाना या ट्रैवल करना। और अगर ऐसे रास्ते हो या और अच्छे रास्ते हो तो भाई चांदी चांदी। ओ भाई क्या दिख रहा है लेफ्ट साइड में, कैमरे में इतना सही शायद नहीं दिखता रहेगा लेकिन रियल में बहुत सही है। फॉग फॉग एंड फॉग। और ये खेती है, बहुत सही है, बहुत सही। यही मुझे एक्सप्लोर करना था स्पेशली, क्योंकि मैं नासिक राइड गया तो सही लेकिन आते वक्त मुझे ये सब एक्सप्लोर करना था। लेकिन कैसा है कि 2 दिन में मैं सिर्फ 9 घंटे सोया हूँ रात को, मतलब 3 घंटा और 6 घंटा ऐसा। यहाँ पे एक फ़ोटो बनता है गाइस, यस ज़रूर बनता है फ़ोटो यहाँ पे बाइक का। यहाँ पे जानवर आते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लग तो रहा है आते रहेंगे। हाय 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 क्या रोड है यार, कितना सुंदर। ये क्या है लेकिन ये आइडिया नहीं है मुझे, जो भी है बहुत सही लग रहा है। लेकिन बहुत प्यारा काका टिटवाला सरा है ना, एकदम सरा है, कुटेज वाला जनर। थैंक यू। देखो गाइस मैं फर्स्ट प्रेफरेंस लोकल्स को ही देता हूँ, कभी भी अगर किसी नए शहर या गांव में जा रहा हो तो, क्योंकि उनको मालूम रहता है, गूगल मैप्स को भले मालूम रहता है लेकिन वो शॉर्टकट के चक्कर में या फिर इधर उधर से घुमा के लेके जाती है, इसके लिए मैं वो ज़्यादा नहीं देखता। ये है नदी, पानी काफ़ी हद तक ऊपर भी बोल सकते हैं क्योंकि कल थोड़ी बारिश हुई थी रात में। और जब बारिश होती है ना गाइस तो ऑलमोस्ट ये पानी इसके ऊपर से बहने लगता है, तो ये कभी कभी बंद भी रहता है आई गेस। भातसा रिवर है ये।
ऐसा कैसा है रास्ता। तो ये मेरा कॉलेज का दोस्त है तेजस, तो देखते एक्सप्लोर करेंगे ये भी जगह। वो देखिए बहुत सही है। बिल्डिंग का नाम क्या है? रेजेंसी सर्वम। रेजेंसी सर्वम, रेजेंसी ग्रुप का ये पूरा पीछे का। जरूर आऊँगा। टाटा। तो हो गया मिलाप, ऑलमोस्ट 3 साल बाद हम लोग मिल रहे। मैं उसके घर पे नहीं गया तो थोड़ा सा नाराज़ हो गया शायद, क्योंकि उसकी मम्मी ने और खाना वगैरह भी बना के रखा था। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। देखो गाइस कैसा है ना, एक बार ये सारा सेटअप में आने के बाद ना फिर से वो निकालो पहनो बहुत बहुत इरिटेट होने लगता है एक टाइम पे। इसके लिए फिर मैं घर पे नहीं गया, हम लोग ने वहीं पे एक्सप्लोर किया। इवन मैं हेलमेट वगैरह सब मेरे साथ में रखा था, सिर्फ बैग उसके घर पे रख के आया था वो। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊंगा। तो बेसिकली मैं अभी गणपति मंदिर के पास हूँ, यहाँ से गणपति मंदिर है। गूगल मैप्स तो मैंने लगा के रखा है, लेकिन लोकल से भी मैं पूछ रहा हूँ। 12 किलोमीटर एक पेट्रोल पम्प है, वहाँ तक तो अपनी गाड़ी पहुँच जाएगी, वहाँ पे जाके फिर पेट्रोल भरा लेंगे। साढ़े 3 बज रहे हैं अभी और 1 घंटे या 1.5 घंटे में मैं घर पे पहुँच जाऊँगा होपफुली, क्योंकि अभी रास्ते अच्छे ही रहेंगे। सिर्फ थाने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे रास्ता है, बट कोई नहीं, बाल की आग लगी है पूरी। बट बहुत सही लग रहा है अभी सोलो राइड करके। और 2 प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ वो मतलब ये साइलेंसर तो थोड़ा गर्म है, ये इधर का स्क्रू वाइब्रेशन की वजह से निकल गया है। और हॉर्न बजाते वक्त हॉर्न का तो कल से ही प्रॉब्लम आ रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा है बीच बीच में। बाकी एकदम सही राइड है, अभी निकलते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते। हाँ सर, मेरा मेरे लैंग्वेज में यहाँ पे एयर पकड़ता है। मैं आज पाम बीच से जाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी वो रोड भी अच्छा है और स्ट्रेट स्ट्रेट रहेगा। अभी यहाँ से टर्न लूँगा ब्रिज से तो सीधा एकदम पाम बीच से ही निकल जाएंगे। बाप रे, पानी चाहिए क्या? पानी तो ना, पानी नहीं है, पानी थोड़ा ही है, लेकिन पानी खत्म हो गया। एम्बुलेंस बुलाना है? चलिए बैठिए, वापस चलते हैं, दूसरा देख लो ना अंकल। ध्यान नहीं गया क्या आपका उस पे? नहीं, वो क्या हो गया, इधर वो गाड़ी लगी थी ना, अच्छा वाली थी, उसको देखने के चक्कर में हाईलैंड पे आ गया तो पीछे का टायर। अच्छा, मेरे को लगा टायर फटके गया, वो पलटी मारा, टायर फट गया क्या? लेकिन वो नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। आपको लगा नहीं ना? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगा, उनको भी ऐसे थोड़ा लगा, मुका मारे। चलो ठीक तो है सब, उनको सिर्फ बॉडी पेन रहेगा, जल्दी ठीक हो जाए। चलो चलते। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ NMMC। राइड बहुत सही थी, कल से मैं राइड कर रहा हूँ, 2 दिन कंटिन्यूअस मैंने अच्छी खासी राइड कर ली है। और बाइक की हालत भी आपको दिखा देता हूँ कैसी है, पूरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी, सब जगह पे मिट्टी है। सबसे ज्यादा मिट्टी है चेन के एरिया में, बट कोई नहीं, बाद में वॉश कर लेंगे।
सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये पूरा बाइक राइड पे ही था, कंप्लीट बाइक राइड। पहुंच गया मैं सही सलामत एकदम। सो गाइज थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आपको हमेशा की तरह तीन काम करने, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।